हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिस्काउंट के लेजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनका प्रॉपरली यूज़ अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैसे कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा जो बाई डिफॉल्ट टैली में कैश ट्रेड डिस्काउंट के ऑप्शंस होते हैं या जो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम जो रहता है टैली में फीचर्स में, उनको कैसे एक्टिवेट करना है, उनका कैसे यूज़ करना है। ऐसे हालांकि इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन जो लोग फर्स्ट यूजर्स हैं उन्हें मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी लेजर्स होते हैं या जो भी टॉपिक्स होती हैं एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ताकि उन्हें सेपरेट वीडियो ना देखना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का जो ऑप्शन रहता है टैली में बाई डिफॉल्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए F11 यानी फीचर्स में आना होगा। यहाँ पर आपको इन्वेंट्री फीचर्स में जाना होगा। यहाँ पर आपको इन्वॉइसिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप उसके नीचे देख सकते हैं यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इन्वॉइसेस, इसे आप यस कर लेंगे। नॉर्मली ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है। उसके बाद आप एंटर एंटर करके या कंट्रोल इसे इस विंडो को सेव कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, इसीलिए मैं बाहर निकल जा रहा हूँ स्कैप करके। अब आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पर आने के बाद आपको सेल्स वाउचर में जाना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी सेल्स वाउचर में हूं। यहाँ पर मैं एक एंट्री करके दिखा देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आपने ऑप्शन एक्टिवेट किया, जिससे आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज करके एक आपको कॉलम रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप अगर उस ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करते तो आपको ये कॉलम यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एंट्री करते हैं ताकि आपको प्रॉपरली इसका यूज बता दूं, अगर आप न्यू यूजर हैं टैली के। तो यहाँ पर हम कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, 10 पीस 100 रुपए के रेट से। यहाँ पर मुझे जो भी डिस्काउंट देना है परसेंटेज में देना होगा, यानी मुझे मानकर चलिए 5% डिस्काउंट देना है, तो मुझे सिर्फ 5 लिखना होगा। परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर फाइनल वैल्यू नहीं चलती है, यहाँ पर परसेंटेज का साइन चलता है, यानी परसेंटेज के हिसाब से इसमें डिस्काउंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि 10 से 100 को इंटू करेंगे तो 1000 होगा। 5% डिस्काउंट होने के कारण यहाँ पर आपको 950 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर माइनस की फिगर भी आपको नहीं डालनी है। अब मानकर चलिए मैं सेकेंड कोई आइटम लेता हूँ और इसमें मुझे मानकर चलिए डिस्काउंट नहीं देना है, 70 रुपये 78 जो भी हम डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पर इस मतलब फील्ड को स्किप कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मानकर चलिए मुझे इस आइटम पे ये डिस्काउंट नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया होगा कि ये जो डिस्काउंट का सेपरेट कॉलम होता है इसका प्रॉपरली यूज कैसे होता है। इसके अलावा मैं अब आपको बताता हूँ जो बाय डिफॉल्ट एक और ऑप्शन होता है टैली में डिस्काउंट का, वो कैसे यूज किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैंने अभी एंट्री को कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रिंट में आपको इसका इफेक्ट कैसा दिखेगा। विथ प्रीव्यू कर देंगे, उसके लिए यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विथ प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। यस करेंगे और यहाँ पर अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ जेड फॉर जूम, देख सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट का आपको अलग से कॉलम रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है कॉन्फिग में डिस्काउंट का बाय डिफॉल्ट। आप F12 कॉन्फिग में आ जाएंगे सेल्स वाउचर में रहते हुए। यहाँ पर फिर उसके बाद एडवांस, इस पर भी क्लिक करेंगे या उसकी शॉर्टकट की भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही थी अल्ट के साथ F12। यहाँ पर आपको एक्टिवेट कैश ट्रेड डिस्काउंट, इसे यस कर लेना है। अब मैं इसका यूज बता रहा हूँ किसे कैसे आपको यूज करना है। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके या एंटर एंटर करके आप सेव कर लेंगे। अब इसके लिए हम एक लेजर क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स। वहां पर जो मैंने वो जो ऑप्शन एक्टिवेट किया कैश ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो उससे रिलेटेड लेजर क्रिएट करना है वो आपको इस तरीके से क्रिएट करना है। नेम में आप डिस्काउंट लिख सकते हैं या जो आपको रिलीवेंट लगे, कैश डिस्काउंट या जो भी आपको रिलीवेंट लगे वो आप नेम में टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट टाइप कर लिया है। और जब हम एज ए सप्लायर की बात करें, अगर मैं एक सप्लायर हूं तो मैं अगर अपने रिसिपियंट को कोई डिस्काउंट दूंगा तो वो मेरे लिए एक्सपेंस होगा, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ लेजर में हमें यहाँ पर डिस्काउंट का यहाँ पर ऑप्शन आता है, इसे चूज कर लेना होगा और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना होगा। इस कंडीशन में देख सकते हैं GST वगैरह नॉट एप्लीकेबल है, वो ऑटोमेटिक नॉट एप्लीकेबल हो गई, वहां पर हमें स्किप कर दिया जा रहा है, हम वहां पर कुछ चूज नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए सेल्स वाउचर में वापस से। यहाँ पर हम फिर से कैश चूज करते हैं और एक एंट्री पास करते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। यहाँ पर पैडलॉक 10 पीस 100 रुपए के रेट से। मानकर चलिए मुझे अभी फिलहाल इस आइटम में ये डिस्काउंट नहीं देना है।
अब आ जाइए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो अमाउंट के साथ भी दे सकता हूँ या परसेंटेज के हिसाब से भी। अगर मैं मानकर चलिए यहाँ पर 20%, आप देख सकते हैं वहाँ पर, अगर मैंने वहाँ पर जो पहला फील्ड था वहाँ पर मैंने लिखा तो 20%, मैंने जैसे 20 लिखा तो परसेंटेज का साइन उसने ले लिया और मेरा जो यहाँ पर वैल्यू है फाइनल वैल्यू 1000 रुपये, इसके ऊपर 20% के हिसाब से 200 रुपये यहाँ पर लेस हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं मानकर चलिए यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखूँ, यहाँ पर सीधे मैं 100 रुपये लिखूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं सेकंड जो फील्ड आता है वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकता हूँ, इसमें आपको ये बेनिफिट होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डालने के बाद भी अभी भी वैल्यू में कमी नहीं आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आएगी। अब मैं एक अनदर आइटम लेता हूँ, ये आइटम लिया मैंने यहाँ पर 3 पीस 50 रुपये के रेट से, मानकर चलिए अब मैंने इसमें 1% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। यहाँ पर इसकी अफेक्ट तो आप तुरंत देख सकते हैं कि 150 से 148 50 हो गया। अब यहाँ पर मैं परसेंटेज के हिसाब से देता हूँ, 2% मैं और कम करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं 2 रुपये 97 पैसे हो गया है। और ये किस वैल्यू पे हुआ है, 148 रुपये 50 पैसे पे, जो फाइनल वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है उसके ऊपर। अब आ जाइए तीसरा कोई अगर मेरा आइटम है, जैसे ऑटो हिंजस, ये है 5 पीस 50 रुपये के रेट से। अब मैं मानकर चलिए यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैं परसेंटेज के हिसाब से इस वाले डिस्काउंट में वैल्यू दे रहा हूँ, तो इसमें 750 रुपये आप देख सकते हैं दिखा रहा है वैल्यू बना 3% के हिसाब से 250 का। अब यहाँ पर जो हमने, जब हम ये सारे आइटम्स चूज कर लेंगे, जब लेजर्स चूज करने की बारी आती है, तो यहाँ पर हमने जो वो डिस्काउंट का लेजर क्रिएट किया था जिसमें टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट चूज किया था, वो वाला लेजर लेना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने वो लेजर लिया तो यहाँ पर जितना डिस्काउंट मिला 100 और उसके बाद 2 रुपये 97 पैसे, 7 रुपये 50 पैसे, तीनों जुड़ गए, तीनों जोड़ के यहाँ पर 110 रुपये 47 पैसे होकर माइनस हो गए। इसके बाद मैं चाहूँ तो CGST, SGST या IGST जो भी आपके केस में अप्लीकेबल हो वो आप लगा सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इस ऑप्शन का कैसे यूज किया जाता है, किस हिसाब से इसमें एंट्री की जाती है। अब इसका मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो प्रिंट प्रीव्यू है इसमें टैली की एक डिसएडवांटेज है कि आपको इस तरीके से नहीं बताएगा कि इस प्रोडक्ट में आपने कितना डिस्काउंट दिया। जैसे मैंने यहाँ पर 3-4 प्रोडक्ट लिए हैं तो उसमें मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि किस प्रोडक्ट में मैंने एक्चुअल में कौन सा डिस्काउंट दिया। फाइनल डिस्काउंट मुझे यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 110 रुपये 47 पैसे, जबकि आपको एंट्री टाइम रिफ्लेक्ट हो रहा था कि मैंने पैडलॉक में 100 रुपये दिए थे, उसके बाद किसी में 2% किसी में 3%, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी इस केस में। अब हम बात करेंगे नॉर्मल जो हम डिस्काउंट के लेजर्स क्रिएट करते हैं उसकी एंट्रीज कैसे करनी है और उससे रिलेटेड लेजर्स कैसे प्रॉपरली क्रिएट करने हैं ताकि हमें एंट्री टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे बहुत से लोग ये चाहते हैं सेल्स वाउचर में या परचेज वाउचर में कि ये जो डिस्काउंट के लेजर्स हैं, टैक्सेस के लेजर्स हैं या राउंड ऑफ के जो लेजर्स हैं, ये सारे ऑटोमेटिक आ जाए, हमें चूज ना करना पड़े। जब हम कोई फिगर डालना चाहें डिस्काउंट में, अगर हम कोई डिस्काउंट देना चाहें तो ठीक, अगर नहीं देना चाहें तो एंट्री एक्सेप्ट होते ही वो डिस्काउंट का जो लेजर है वो वहां से हट जाए, हाइड हो जाए, और अगर हम कुछ देना चाहें तो हम वहां पर आराम से डाल सके, हमें चूज करने की जरूरत नहीं पड़े, सारी चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो। तो इसके रिगार्डिंग मेरी ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चाहें तो वो भी देखकर अपने हिसाब से यहाँ पर सेल्स वाउचर में ऑटोमेटिक जो सिस्टम्स होते हैं डिस्काउंट और टैक्सेस के सेलेक्ट करने के, वो भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर लेजर्स में मैंने अलग अलग डिस्काउंट के लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि वो लेजर्स कैसे क्रिएट होंगे और वो लेजर्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं और किस सिचुएशन में उनका प्रॉपर यूज होता है। तो जैसे कि सबसे पहला लेजर मैं दिखा रहा हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट का मैंने क्रिएट कर रखा है, लेजर में अंडर रखा है मैंने इसे डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ लेजर में कुछ नहीं लिया, नॉट एप्लीकेबल है, और उसके बाद GST नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर GST यहाँ पर मैंने चूज किया है, अप्रोप्रिएट टू बोथ, और यहाँ पर बेस्ड ऑन वैल्यू चूज किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस लेजर का आखिर यूज कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो भी मैं लेजर्स बना रहा हूँ मैं सप्लायर को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ कि सप्लायर कैसे लेजर्स क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप एक रिसिपिएंट और आप सोच रहे हो कि मैं रिसिपिएंट हूँ तो मैं कैसे लेजर क्रिएट करूंगा, तो लेजर्स तो आपको सारे ऐसे ही क्रिएट करने हैं जैसे कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो अंडर का जो ग्रुप होता है वो आपको चेंज करना होगा। जब एक सप्लायर की बात होती है तो वो जब डायरेक्ट एक्सपेंस लेगा तो आपके लिए वो डायरेक्ट इनकम होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट इनकम लेना होगा एज ए रिसिपिएंट, ठीक है। तो आपको जो भी मैं बताऊं यहां पर, अगर आप एक रिसिपिएंट और आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं तो आप यहां पर ग्रुप चेंज कर लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है।
तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स मैंने नाम रखा है नेम में ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पर नेम आप चेंज कर सकते हैं, नेम से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर मैं लेजर्स की जो बनाने का तरीका है वो बता रहा हूँ, और इसका जो प्रॉपरली यूज कहाँ पर है वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इस लेजर का यूज कहाँ पर करना है और किस तरीके से करना है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक लेजर को देखेंगे, उसके बाद एक एक एंट्री को देखेंगे, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि मैं किस लेजर का यूज कहां पर करूं। एक साथ मैं सारे लेजर बता दूं और फिर एक साथ एंट्री बताऊं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपने देखा कि ये लेजर कैसे बना है, अब हम इसका यूज देखेंगे, और फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि मैं एज ए सप्लायर ट्रीट कर रहा हूं ये सारी एंट्री। फ्रेंड्स, मैंने जो ट्रेड डिस्काउंट क्रिएट किया था, और मैंने जो बोला कि हम इसका सेल्स वाउचर में देखेंगे कि इस लेजर को क्रिएट करके क्या इफेक्ट पड़ता है इनवॉइस क्रिएट करते वक्त, और इसका यूज प्रॉपरली कहाँ होता है, तो वो चलिए अब हम इस एंट्री में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक आइटम लिया है 10 पीस 100 रुपए के रेट से, टैक्सेबल वैल्यू हो गई 1000 रुपए। यहाँ पर अगर मैं जो ये सारे हैं डिस्काउंट के जो सेपरेट कॉलम है, या जो आपको आइटम के नीचे डिस्काउंट मिल रहा है, अभी फिलहाल मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट का यूज कर रहा हूँ। मान कर चलिए मुझे वो सारे डिस्काउंट नहीं देने हैं, तो मैं यहाँ पर -5% लिखूंगा। अगर मुझे 5% डिस्काउंट देना है टैक्सेबल वैल्यू यानी 1000 रुपए के ऊपर, तो यहाँ पर माइनस का यूज करना पड़ेगा, तभी वैल्यू माइनस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज वो प्लस हो जाएगी अगर आप माइनस का साइन नहीं देंगे परसेंटेज देने से पहले। ठीक है, अब मानकर चलिए मुझे परसेंटेज में 5% नहीं देना है, मुझे डायरेक्ट वैल्यू ही लिखनी है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 100 रुपीज भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा आउटपुट CGST और SGST है वो हम लगा देंगे। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट CGST और SGST है वो कैलकुलेट किस वैल्यू पे हो रहा है, वो कैलकुलेट हो रहा है 900 रुपए के ऊपर। आप चाहें तो अल्ट के साथ ए प्रेस करके टैक्स एनालिसिस भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 900 रुपए के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है आपका टैक्स। तो फ्रेंड्स, ये जो लेजर हम क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया था, ये किस कंडीशन में होता है अब आपको समझ में आया होगा कि जब हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं और हमें इनवॉइस के अंदर कोई डिस्काउंट देना होता है जिसके ऊपर हमारी GST इफेक्ट करती है, यानी डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो GST भी कम लगती है, तो उस सिचुएशन में हम इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट या जो भी डिस्काउंट का नाम हो हम वो लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो मैंने लेजर क्रिएट किया इसका प्रॉपरली यूज कहां पर करना है, जब इनवॉइस क्रिएट करें, और डायरेक्टली जब इसके ऊपर GST अफेक्ट करे वहां पर अगर आपको कोई डिस्काउंट देना है तो उस समय इस तरीके से लेजर क्रिएट करना, और GST में इसी तरीके से सब लोग यूज कर रहे हैं लेजर्स। ठीक है, अब इसके बाद अगर मानकर चलिए मुझे ये सारे डिस्काउंट भी देने हैं तो कैसे अफेक्ट करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मानकर चलिए मुझे 5% यहाँ पर सेपरेट कॉलम में डिस्काउंट देना, बहुत से लोग एक आइटम पे तीन तीन चार चार बार डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से, जैसे बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा 50%+5%+4% इस तरीके से डिस्काउंट देते हैं। तो मानकर चलिए मैं 5% यहाँ दे रहा हूँ, 2% यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर डिस्काउंट का जो हमने लेजर क्रिएट किया था कैश और उसके लिए ट्रेड डिस्काउंट का जो ऑप्शन था, तो वो हमें यहाँ पर चूज करना होगा। आप देख सकते हैं मैंने चूज किया, तो वहां पर जो 19 रुपए था वो यहाँ पर लेस हो चुका है। अब हम इसके बाद अगर ट्रेड डिस्काउंट का यूज करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर अब मैं परसेंटेज वाइज करूंगा ताकि आपको एक्चुअल समझ में आए, 10% करूंगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर 95 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये किस अमाउंट पर टैक्स मतलब डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर जो 950 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पर आउटपुट CGST और फिर SGST, ये उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, जो भी डिस्काउंट्स हैं सारे लेस होने के बाद टैक्सेस कैलकुलेट होंगे, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम अपने अलग जो हमारे डिस्काउंट के लेजर हैं उनके तरफ चलते हैं कि उनका यूज प्रॉपरली हमें कहाँ करना है। फ्रेंड्स, अब हम अनदर लेजर की बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने स्पेशल डिस्काउंट नेम से एक लेजर क्रिएट किया है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नाम क्या रख रहे हैं लेजर का, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अंडर में जो ग्रुप चूज किया है वो डायरेक्ट इनकम चूज किया है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब बताया था आपको तो मैंने बोला था कि एज ए सप्लायर जब वो किसी को भी डिस्काउंट देता है अपने सामने वाले रिसिपिएंट को, तो वो कभी भी उसके लिए इनकम नहीं होती, वो उसके लिए एक्सपेंस होती है, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन इस केस में मुझे डायरेक्ट इनकम लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेजर है इसका यूज हम करेंगे क्रेडिट नोट इशू करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कि ट्रेड डिस्काउंट मैंने इनवॉइस में दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टी जो होती है जो सप्लायर होते हैं ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में देना भूल जाते हैं, या और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो इनवॉइस में डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं, या बाद में उन्हें पता चलता है कि वैल्यू कम हो गई है गुड्स की, तो चलो हम बाद में क्रेडिट नोट के थ्रू डिस्काउंट देते हैं। तो उस केस में जब वो क्रेडिट नोट के थ्रू डिस्काउंट देते हैं वो इनवॉइस में नहीं दे पाते हैं,
तो उस कंडीशन में उन्हें अगर डिस्काउंट की मैं बात करूं तो वहां पर इस तरीके से ही लेजर क्रिएट करना होता है। वहां पर वो ट्रेड डिस्काउंट का जो मैंने पहला लेजर दिखा है वहां पर उसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उसका वहां पर वो यूज करेंगे तो वहां पर टैक्सेस कैलकुलेट नहीं होंगे क्रेडिट नोट में। वहां पर इस तरीके के लेजर का ही यूज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर डायरेक्ट इनकम ही क्यों लिया। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप जो क्रेडिट नोट इशू करेंगे वो सेल्स के अगेंस्ट में इशू करेंगे, तो सेल्स का जो इफेक्ट जाता है जीएसटी आर 1 में जाता है। अगर आप यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं तो इसका इफेक्ट जीएसटी आर 2 में जाएगा, जबकि मुझे इसका इफेक्ट जीएसटी आर 1 में चाहिए, तो इसीलिए हमें डायरेक्ट इनकम लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप एक और लेजर का यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके अलावा और कौन सा लेजर यूज हो सकता है क्रेडिट नोट इशू करते वक्त। और फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि एज ए रिसिपिएंट, अगर मानकर चलिए आपने बाई मिस्टेक, जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो सप्लायर ग्रुप चूज करेगा वो आपका रिसिपिएंट ग्रुप चूज नहीं कर सकता है, रिसिपिएंट को जस्ट उसका अपोजिट चूज करना पड़ेगा। लेकिन बाई मिस्टेक अगर रिसिपिएंट ने सेम ग्रुप चूज कर लिया, मानकर चलिए सप्लायर ने भी डायरेक्ट इनकम लिया और रिसिपिएंट को भी लगा कि ये तो मेरे लिए इनकम है, उसने इनकम ही में डाल दिया, तो उसका अफेक्ट तो वहां पर अपोजिट पड़ जाएगा इसमें जीएसटीआर वगैरह में। लेकिन अगर मैं पीएनएल अकाउंट की बात करूं तो वहां पर अफेक्ट उसका प्रॉपर जाएगा, लेकिन वहां पर रिपोर्टिंग देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी सपोज इस जो डिस्काउंट है इसको छोड़ के हम बात करते हैं, अगर मानकर चलिए ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, जैसे कि इनवॉइस में एक सप्लायर ने ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिया और जो सप्लायर है उसने उसे अंडर ग्रुप में रखा था डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन रिसिपिएंट ने क्या किया, रिसिपिएंट ने भी जो ट्रेड डिस्काउंट बनाया परचेस के एंट्री टाइम उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में ही रख दिया, तो क्या उससे पीएनएल अकाउंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट में सेम ही इफेक्ट जाएगा, सिर्फ वहां पर रिपोर्टिंग देखने में अजीब सी लगेगी। क्या होगा कि नियम से रिसिपिएंट का कहां पर वो इफेक्ट जाना चाहिए था, डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट होने लगेगा, लेकिन जो फिगर है वो सेम ही रहेगी। तो वहां पर अगर कभी गलत ले भी लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा रिपोर्टिंग देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इस केस में अगर आप गलत ले लेते हैं तो वहां पर जो जीएसटीआर का जो इफेक्ट है 1-2 वहां पर मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि अगर मैं रिसिपिएंट की बात करूं तो उसको जो इस केस में इफेक्ट देखना है जीएसटीआर 2 में देखना होगा, लेकिन अगर वो डायरेक्ट इनकम ही ले लेता है एक रिसिपिएंट एक्सपेंस की जगह तो उसको वो जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट होगा, जबकि उसे नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सप्लायर को जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल अभी हम उस बात को छोड़ देते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि रिसिपिएंट को जस्ट अपोजिट ग्रुप चूज करना है अगर सप्लायर ने जो चूज किया है। अब आप उसको पता कैसे चलेगा, तो उसको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि उसके लिए वो क्या है और उसे कहां पर उसका इफेक्ट देखना है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो तो देख रहे हैं, आपको अब समझ में आ जाएगा कि अगर सप्लायर ये चूज करता है तो आपको कहां पर चूज करना है। अब देखिए, इस केस में आपको यहां पर डायरेक्ट इनकम लेने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल करनी होगी, उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यहां पर आपको रेट डिफाइन करना होगा, वो इसलिए क्योंकि आपको क्रेडिट नोट में इसी रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेस कैलकुलेट होंगी। तो अब मानकर चलिए आपने जो इनवॉइस दी थी उसमें आपने 18% की वैल्यू का आइटम दिया था, तो आपको इस तरीके से यहां पर टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल उसके बाद 18% डिफाइन करना होगा। अब आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर मानकर चलिए एक इनवॉइस में हमने अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम दिए तो क्या करना होगा, पहली बात, और ये आपकी लॉजिक वाली बात भी है, ऐसा सोच सकते हैं। इसके अलावा अब हम क्या इस लेजर का यूज दूसरे रेट्स के लिए नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप एक रेट डिफाइन जरूर कर दें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में, जो आपका कॉमनली गुड्स जिस रेट्स में जाता है, जो जीएसटी रेट का आइटम ज्यादा डील होता है उसके लिए आप एक रेट डिफाइन कर दें, उसका टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स लेते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर लें। अब चलिए हम क्रेडिट नोट की बात करते हैं कि क्रेडिट नोट कैसे हमें इशू करना है। तो सबसे पहले मैं एक इनवॉइस क्रिएट कर लेता हूं किसी पार्टी को लेते हुए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि क्रेडिट नोट कैसे उसके अगेंस्ट में इशू होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक पार्टी को ये आइटम सेल किया है 10 पीस 200 रुपए के रेट से, वैल्यू हो गई 2000। यहां पर आईजीएसटी लगी है क्योंकि इंटर स्टेट की पार्टी है, 360 रुपए मेरी टैक्स बनी है। ठीक है, अब मानकर चलिए मुझे इसे डिस्काउंट देना है, कोई भी एक डिस्काउंट देना है, मानकर चलिए मुझे स्पेशल डिस्काउंट देना है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, क्रेडिट नोट इशू करना होगा, क्योंकि अब या तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि या तो मैं इनवॉइस मॉडिफाई करके दे दूं सामने वाली पार्टी को, उसे बोल दूं कि वो इनवॉइस वो फाड़ के फेंक दे, या मैं इस इनवॉइस को कैंसिल कर दूं, मैं एक अनदर इनवॉइस जनरेट कर दूं, ये भी ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन मोस्टली जो देखा गया क्रेडिट नोट इशू होता है, तो मैं उसी टॉपिक को लेकर चल रहा हूं। अब करेंगे क्या, क्रेडिट नोट सबसे पहले तो आपको एक्टिवेट करना होगा, अगर नहीं पता है तो सबसे पहले ये जान लीजिए आपको F1 यानी फीचर्स में जाना होगा। आप चाहें तो सेल्स वाउचर में आने के बाद भी जा सकते हैं या गेटवे ऑफ टेली से भी जा सकते हैं। इसमें जाने के बाद क्रेडिट नोट के ऑप्शंस आपको अकाउंटिंग फीचर और इन्वेंट्री फीचर दोनों में अवेलेबल है।
यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ये जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट है ये यस है। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस आपको यस कर लेने होंगे, यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, उसके बाद जो दो ऑप्शंस और हैं वो भी यस कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए या एंटर करके इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्रेडिट नोट पर क्लिक करेंगे क्रेडिट नोट क्रिएट करने के लिए। फ्रेंड्स जब भी आप अपनी पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो सबसे पहले क्रेडिट नोट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट एंटर करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्सर हिला रहा हूँ आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, उसके बाद जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में कर रहे हैं वो इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में। यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट में कर रहा हूँ, डेट मेरी सेम है, मैं सेम डेट ही क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो डेट है वो ओरिजिनल इनवॉइस की होगी, जो इनवॉइस पर डेट होगी वही आपको एंटर करनी है यहाँ पर इस जगह पे। उसके बाद यहाँ पर पार्टी वही ले लेनी है जिसे आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सेल्स का जो लेजर है वो ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि आपको ये जो एंट्री करनी है इस केस में डिस्काउंट के केस में, इस केस में आपको आइटम इन्वॉइस मोड में नहीं करनी है क्रेडिट नोट में एंट्री, अकाउंटिंग इन्वॉइस मोड में करनी है। तो उसके लिए आप अल्ट के साथ आई भी प्रेस कर सकते हैं इस स्क्रीन पर आके, या अकाउंटिंग इन्वॉइस यहाँ बटन बार पर दिख रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो लेजर्स मैंने चूज करने के लिए बोला सेल्स का वो नहीं आएगा, वो ऑप्शन नहीं आएगा, उसे आपको चूज नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो स्पेशल डिस्काउंट का मैंने लेजर क्रिएट किया था वो ले लेना है। याद रखें डिस्काउंट का लेजर लेने में गलती नहीं करें, नहीं तो फिर बाद में आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। अब मानकर चलिए मुझे 200 रुपये ही डिस्काउंट देनी है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरी वैल्यू ही 2000 की थी इनवॉइस की विदाउट टैक्स। अब यहाँ पर मुझे आउटपुट IGST क्योंकि सेल्स के अगेंस्ट में हो रहा है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। मेरा जो लाइबिलिटी बना था मुझे उसे डिक्रीज करना है, आउटपुट IGST का मुझे लेजर यहाँ ले लेना है। देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया 3600 रुपये जो मैंने रेट डिफाइन किया था स्पेशल डिस्काउंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल्स में आप डाल सकते हैं कि किस कारण से आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, तो पोस्ट सेल डिस्काउंट डाल सकते हैं या उसके बाद अदर भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ले लेंगे। उसके बाद बायर डेबिट नोट नंबर, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि GST में एक सप्लायर ही क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकता है, रिसिपेंट सिर्फ उसकी एंट्री कर सकता है अपने पास, वो इशू नहीं कर सकता है क्योंकि GST में राइट दिया गया है GSTR1 फाइल करने का सप्लायर को, रिसिपेंट को नहीं, इसीलिए यहाँ पर वो सारी डिटेल्स नहीं डालेंगे। हाँ, अगर रिसिपेंट के केस में यहाँ पर लिख के आता है कि सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर डालें तो रिसिपेंट को डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे केस में यहाँ बायर का नाम आ रहा है तो बायर इशू ही नहीं कर सकता, मैं खुद इशू कर रहा हूँ तो मैं उसका डिटेल कैसे डाल सकता हूँ। अब हमें इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, अगर हम चाहें तो उसको भी एक्टिवेट करके यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको उसे चूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूज डिफॉल्ट फॉर विल एलोकेशन, उस ऑप्शन को आप नो कर लेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया, यस रहता है उसे नो कर लेंगे। नो करने से आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर आने लगेंगे, ये विंडो आएगी बिल्स वाइज डिटेल्स की, यहाँ पर आप ट्रेस कर सकते हैं उस इनवॉइस को जिसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, अगेंस्ट रेफरेंस कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे नो करके इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इस एंट्री को कर सकते हैं। और इस लेजर का अब आपको यूज प्रॉपरली समझ में आया होगा कि ऐसे जो हम डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करते हैं तो उसका यूज हम प्रॉपरली करते कहां पर है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है एक इनवॉइस के अंदर अलग अलग GST रेट्स के आइटम गए हों, तो उस केस में आप किस तरीके से क्रेडिट नोट इशू करेंगे और उस समय इस लेजर को कैसे मॉडिफाई करना है, तो चलिए हम उसी एंट्री को करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पर क्रेडिट नोट में मैं यहाँ पर अगर मानकर चलिए मैं ये वाला जो लेजर मैंने स्पेशल डिस्काउंट का क्रिएट किया था, मैं ये नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसके जगह बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि आइटम, जैसे जो आइटम था उसमें पैडलॉक, वही ले लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट उसकी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अब मानकर चलिए मैं यहाँ पर ये नहीं लेना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस तरीके से भी डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन ये जनरली रेट डिफरेंस के केस में चलता है। मानकर चलिए आइटम की जो वैल्यू थी वो, जैसे कि मैंने वहां पर 200 रुपये पर पीस लगाई थी इनवॉइस में, अगर मानकर चलिए 200 रुपये पर पीस नहीं है तो उस सिचुएशन में मानकर चलिए 180 रुपये पर पीस है, तो 20 रुपये पर पीस का बचा, तो 10 पीस के हिसाब से 200 रुपये हुआ, तो वो रेट डिफरेंस के केस में इस तरीके से भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर मानकर चलिए किसी इनवॉइस में कोई एक ही आइटम गया, तो बहुत से लोग क्या करते हैं डिस्काउंट का लेजर नहीं क्रिएट करके जो आइटम है उसी को डालकर उसी के ऊपर जितना उनका वैल्यू बनता है डिस्काउंट का वो यहाँ पर पुट करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सारी चीजें सेम है, सिर्फ ये इनवॉइस मोड में रिकॉर्ड होगी एंट्री क्रेडिट नोट की, और यहाँ पर जो लेजर है सेल्स का वो हमें चूज करना पड़ेगा, और बाकी आइटम चूज करके डायरेक्ट वैल्यू डालकर
आउटपुट आईजीएसटी चूज कर लेंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत से लोग डिस्काउंट के केस में भी ये लेजर ले लेते हैं। मान कर चलिए मेरे इनवॉइस में एक ही आइटम गया, अब मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं डिस्काउंट तो उसी आइटम पर दूंगा ना, तो जितना डिस्काउंट दूंगा मैं क्या करूंगा, आइटम ही वही ले लूंगा, वैल्यू डाल दूंगा और डिस्काउंट उसके ऊपर दे दूंगा। एक तरीके से ये रेट डिफरेंस के केस में क्रेडिट नोटिस होता है, लेकिन बहुत से लोग इसे इस मैनर में भी यूज कर लेते हैं। अब इसके अलावा मैं एक और तरीका बता रहा हूँ कि क्रेडिट नोट यूज करने का प्रॉपर तरीका जो डिस्काउंट के केस में होता है, ये प्रॉपर नहीं है। फ्रेंड्स, अब ये जो तीसरा केस है ये अब आप समझ लीजिए कि क्रेडिट नोट में आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में फिर से इसमें एंट्री करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आइटम इनवॉइस मोड नहीं चलेगा, बस यहाँ पर आपको जो स्पेशल डिस्काउंट का लेजर, उसके जगह आपको सेल्स का एक लेजर क्रिएट करना होगा। मानकर चलिए गुड्स की जो जीएसटी रेट है वो 18% है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करके एंट्री करते हैं तब आपका जो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है आप उसी लेजर को ले सकते हैं। तो आप एक बार देख भी लीजिए कि लेजर मैंने कैसे क्रिएट किया है, सेल्स एट द रेट 18% सेल्स अकाउंट, और याद होगा कि सेल्स हमारे लिए इनकम होती है तो इसीलिए इसका इफेक्ट जीएसटी R1 में ही जाएगा। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल और यहाँ सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में हमें रेट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, उसके बाद 18% डिफाइन करके उसके बाद गुड्स चूज करके इसको एक्सेप्ट कर लेना होगा। अब मानकर चलिए 5% का अगर कोई आइटम है उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोटिस हो रहा है तो फिर सेल्स 5% का आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप डिस्काउंट का लेजर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप आउटपुट आईजीएसटी ले लेंगे जैसे कि आपने पहले केस में लिया था, तो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा और बाकी सारी चीजें सेम है। अब मानकर चलिए यहाँ पर आपका कोई आइटम है, कोई इनवॉइस है जिसमें कि आपका 18% का भी आइटम गया है और इसके अलावा 5% का भी आइटम गया है और आप दोनों के हिसाब से यहाँ पर देना चाहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकते हैं। सेल्स मानकर चलिए 5% का अगर कोई रहता है, यहाँ पर मैंने फिलहाल अभी क्रिएट नहीं किया, 5% का कोई रहता तो आप वो चूज कर लेते। उसके बाद 200 रुपए या जो भी आपकी वैल्यू हो वो डाल के उसके बाद फिर आईजीएसटी को या जो सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी आपके केस में रिलीवेंट हो, मेरे केस में आईजीएसटी है तो मैं आउटपुट आईजीएसटी लेता हूँ, तो ठीक है तो वो आप चूज कर लेंगे। अभी फिलहाल मैंने इसमें रेट डिफाइन नहीं किया है सेकेंड लेजर में, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी एंट्री को फाइनल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से लेजर्स चूज करके आप अपनी एंट्री को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि जो स्पेशल डिस्काउंट का मैंने जो लेजर क्रिएट किया था वहां पर मैंने 18% जीएसटी रेट डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मानकर चलिए इनवॉइस में 5% जीएसटी रेट का आइटम गया है और मुझे उसी के अकॉर्डिंग क्रेडिट नोट इशू करना है ताकि जो मेरी टैक्सेस कैलकुलेट हो 5% के हिसाब से हो, तो मैं इस लेजर का यूज कैसे करूंगा, क्या मुझे इसके लिए सेपरेट लेजर क्रिएट करना होगा? तो आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो जो लेजर क्रिएट करेंगे जो भी डिस्काउंट के, तो वहां पर मेंशन कर देंगे नाम में कि वो कितने परसेंट जीएसटी रेट का है। ठीक है, अगर आप सेपरेट लेजर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, एक ही कॉमन लेजर रखना चाहते हैं, उसी को सब जगह यूज करना चाहते हैं, तो उसकी भी फैसिलिटी है टैली में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसलिए आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट को आइटम इनवॉइस मोड में लाना होगा, क्योंकि कई बार जो मैं फीचर बता रहा हूँ, जो ऑप्शन बता रहा हूँ, वो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में नहीं आता है, इसलिए मैंने आइटम इनवॉइस मोड में कन्वर्ट कर लिया क्रेडिट नोट को। उसके बाद यानी कॉन्फिग में जाना होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी से, यस कर लेंगे। अब हम वापस से इसे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमें क्रेडिट नोट इशू करना है तो बाकी जो डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बता रखी आपको, वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, इनवॉइस की पार्टी चूज कर लेंगे। अब स्पेशल डिस्काउंट इसे हम ले लेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम वैल्यू डालेंगे, मानकर चलिए मुझे 200 रुपये ही डिस्काउंट देना है, एंटर करेंगे वैल्यू डालने के बाद तो हमारे पास इस तरीके की विंडो आएगी। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें F12 यानी कॉन्फिग मिलता है, इस पर हमें क्लिक करना है या अल्ट के साथ F12 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें करना है ओवरराइड टैक्स रेट, इसे यस कर लेना है। ठीक है, हम ओवरराइड करेंगे टैक्स रेट को, हमने 18% डाला हुआ था, अब हम 5% डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा लेजर है 5% के अकॉर्डिंग ट्रीट करेगा, हमारी जो जीएसटी कैलकुलेट होगी वो 5% के अकॉर्डिंग होगी। देख सकते हैं अब यहाँ पर जो हमारी आईजीएसटी कैलकुलेट हो रही है 10 रुपये हो रही है, जबकि इससे पहले 18% के कारण 36 रुपये हो रही थी। ठीक है, अब मानकर चलिए एक ही इनवॉइस में अलग अलग जीएसटी रेट के गए होंगे, तो आप इसी तरीके से लेजर चूज करते जाएंगे स्पेशल डिस्काउंट के, एक के बाद फिर दूसरा करेंगे और वहां पर सेकेंड वाले लेजर में आप ओवरराइड करेंगे। मानकर चलिए एक इनवॉइस में 18% और 5% की आइटम गए हैं जीएसटी रेट के, आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं तो
पहला तो आपका जो लेजर है स्पेशल डिस्काउंट का, उसके अंदर आपने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है 18% जीएसटी रेट, तो वहां पर आपको चेंज नहीं करना है फर्स्ट लेजर में। सेकंड जो आप फिर से एक बार लेजर चूज करेंगे स्पेशल डिस्काउंट का, तो यहां पर जब आप वैल्यू डाल देंगे मानकर चलिए 200, इसके बाद आपको यहां पर ओवरराइड कर देना है सेकंड वाले में, ठीक है। और अगर मानकर चलिए सिर्फ 5% के लिए ही आपको क्रेडिट नोट इशू करना है एक ही आइटम के लिए, तो आप फर्स्ट जो यहाँ पर लेजर चूज करेंगे उसी में कर सकते हैं ओवरराइड। अभी फिलहाल हम यहाँ पर ओवरराइड तो हमने ऑलरेडी कर रखा है एप्लीकेबल 5%, और उसके बाद यहाँ पर हम आउटपुट आईजीएसटी ले लेते हैं, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, यहाँ पर अभी फिलहाल मैं चूज नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पर जब आप एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि आपने ओवरराइड किया है जिसके कारण यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप ओ प्रेस करिए ओवरराइड करने के लिए। आप अगर डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी एंट्री जीएसटीआर 1 में मिसमैच में चली जाएगी, फिर वहां पर जाके आप ठीक कर सकते हैं, एंटर एंटर करके वापस से री एक्सेप्ट करना होगा एंट्री को, तभी ठीक होगी, अदरवाइज वो मिसमैच में रिफ्लेक्ट होगी। इसीलिए सबसे अच्छा है कि जब आप कोई भी ओवरराइड करते हैं एंट्री टाइम कुछ भी चीजें टैक्सेस से रिलेटेड कुछ भी, तो उसके बाद जब एंट्री एक्सेप्ट करें तो आपके सामने ये विंडो आए, तो आप फटाफट एक्सेप्ट ना करके ओ प्रेस कर दें ताकि ओवरराइड हो जाए आपकी एंट्री। अब चलिए फ्रेंड्स हम अनदर लेजर की बात करते हैं, जो अनदर मैंने डिस्काउंट पर लेजर क्रिएट किया है। फ्रेंड्स यहां पर मैंने एक अनदर लेजर क्रिएट किया है कैश डिस्काउंट नेम से, जिसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं रिमाइंड करा दूं कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैश डिस्काउंट नाम रखा है और उससे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा ही करना है। हो सकता है आप कैश डिस्काउंट के नाम से डिस्काउंट देना चाहते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक अनदर लेजर क्रिएट किया है कैश डिस्काउंट नेम से, जिसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है। तो मैं यहाँ पर एक बात और रिमाइंड करा दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही करें। अगर मानकर चलिए आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम क्रेडिट नोट के केस में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाकर कैश डिस्काउंट के नाम से डिस्काउंट देते हैं, तो उस केस में वहां पर वो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, जैसा कि मैंने पहले केस में दिखाया था जहां पर मैंने ट्रेड डिस्काउंट नेम से लेजर क्रिएट किया था। अब आप क्रेडिट नोट की बात कीजिए, तो वहां पर अगर आप चाहें, जैसे मैंने स्पेशल डिस्काउंट नाम रखा था, आप वहां पर कैश डिस्काउंट भी रख सकते हैं, तो फिर आपको उसे डायरेक्ट इनकम में रखना होगा जैसा कि मैंने बताया था, ताकि जीएसटीआर 1 में उसका इफेक्ट जाए। इसके अलावा आप चाहें तो जैसे क्रेडिट नोट के केस में मैंने बोला था कि डायरेक्ट इनकम में रखिए, आप चाहें तो वहां पर इनडायरेक्ट इनकम भी रख सकते हैं, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे होगा क्या कि इनडायरेक्ट इनकम में रखने से क्या होता है कि वो आपको पीएनएल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्ट इनकम में रखने से क्या होता है कि वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। नेट प्रॉफिट दोनों केसेस में सेम ही आनी है, ठीक है। अब यहां पर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा है और यहां पर जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल किया है इस केस में, तो ये लेजर कब बनाना होता है और इसका कब कहां पर कैसे यूज होता है वो देख लीजिए। इसका यूज मोस्टली तभी होता है जैसे कि मानकर चलिए मैं कोई इनवॉइस क्रिएट करता हूं यहां पर, अभी हम यहां पर इसे आइटम इनवॉइस मोड में लेके चलते हैं और फटाफट एंट्री कर लेते हैं। यहां पर कोई एक आइटम ले लेते हैं, इस विंडो को फिलहाल अभी हम डीएक्टिवेट कर देते हैं जो मैंने एक्टिवेट की थी, क्योंकि इससे मिस्टेक होगी हमें एंट्री करने टाइम। यहां पर अब हम 7 पीस डाल देते हैं 100 रुपए के रेट से। यहां पर मानकर चलिए मैंने कोई ऊपर में डिस्काउंट नहीं दिया, हो सकता है मैं दे भी सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। मैं चाहूं तो ऊपर भी दे सकता हूं, जो डायरेक्ट डिस्काउंट है मैं वो भी दे सकता हूं। उसके बाद मैं यहां पर एसजीएसटी कर दिया। अब मानकर चलिए मुझे नीचे में डिस्काउंट देना है जिसका जीएसटी से कोई मतलब नहीं हो, मतलब जीएसटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो, तो मैं यहां पर कैश डिस्काउंट के नाम से दे सकता हूं। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? कई लोग ऐसा करते हैं ताकि डिस्काउंट कम नहीं जाए, इस कारण से भी डिस्काउंट मैं बोल रहा हूँ, ताकि जीएसटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इसके अलावा बहुत से लोग इनवॉइस की वैल्यू कम करने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे मानकर चलिए अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दूं तो यहाँ पर 826 रुपये इनवॉइस की फाइनल वैल्यू है। अब मानकर चलिए मैंने किसी को गुड्स भेजा, FOR की बात हुई थी, अब क्या हुआ कि जो गाड़ी से मैंने भेजा तो मैंने कहा कि FOR की बात तो है, लेकिन आप एक काम करना, गाड़ी वाले को 200 रुपये आप दे देना, ठीक है, आपके यहाँ जब डिलीवर्ड हो जाए गुड्स उस कंडीशन में आप उसे 200 दे देना। तो जबकि बात तो FOR की थी, मैंने तो कैश पे कर दिया एज ए रिसिपिएंट 200 रुपए गाड़ी वाले को, तो उस केस में क्या करते हैं बहुत से लोग क्रेडिट नोट बाद में दे देते हैं सामने वाली पार्टी को, या बहुत से लोगों को पता होता है कि कितना भाड़ा लगना है क्योंकि वो गाड़ी वाले से बात कर लेते हैं, उसी के हिसाब से एक पेपर में लिख के दे देते हैं कि 200 रुपए आप दे देना, वो मैंने आपके इनवॉइस में एडजस्ट कर दिए हैं। तो इनवॉइस में एडजस्ट करने के लिए यही काम किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुई और आपका सिर्फ 200 रुपए ही कम हुआ यहां पर,
अगर आप ऊपर करते तो उसके हिसाब से जीएसटी अप एंड डाउन होती, अप एंड डाउन होती तो यहाँ पर आप 200 देना चाहते हैं तो 200 की वैल्यू नहीं आती, फिर उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि जीएसटी को लेकर मेरा क्या वैल्यू बैठे, जिससे कि पूरा का पूरा 200 रुपए ही मेरा लेस हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो जीएसटी की रिटर्न जाएगी वो आपकी ऊपर के अकॉर्डिंग जाएगी। ये जो 200 रुपए है, ये जो कैश डिस्काउंट मिला, ये इनकम टैक्स का मैटर हो जाएगा। ठीक है, जो जीएसटी की जो वैल्यू जाएगी वहां पर आपको ये नहीं करना है कि आपको वहां पर, सॉरी यहां पर मैंने 200 रुपए माइनस में नहीं डाले, तभी बढ़ गया वैल्यू, माइनस में डालना होगा फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अब यहां पर जैसे फाइनल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है नीचे, टोटल 626 रुपए। तो जब आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे एज ए सप्लायर, तो वहां पर आप 626 नहीं डालेंगे, वहां पर आप 826 ही डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है इनडायरेक्ट डिस्काउंट है। ठीक है, इसकी जो भी ट्रीटमेंट होगी इनकम टैक्स में होगी, जीएसटी से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से लोग देते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं ऐसा देने के पीछे। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं तो वहां पर भी इसका यूज होता है। वहां पर क्या होता है कि आपको नॉर्मल क्रेडिट नोट इशू करना होता है, उसके लिए आपको इतना इनवॉइस ट्रैक करना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए किसी पार्टी को, जैसे अभी फिलहाल वहां पर मैंने कैश में एंट्री की थी, मानकर चलिए एज्यूम कीजिए मैंने इसे दिया कोई इनवॉइस, अब मैं इसे कैश डिस्काउंट देना चाहता हूँ जो मेरा इनडायरेक्ट है। यहाँ पर पहले मैं अकाउंटिंग इनवॉइस में ट्रीट करूँ इसे, उसके बाद मुझे यहाँ पर करना होगा कैश डिस्काउंट। अब मानकर चलिए मैं यहीं पर 200 रुपये दे दूँ और यहाँ पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाऊँ, सिर्फ इस एंट्री को एक्सेल लूँ अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक करते हुए, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट के जो लेजर्स अलग अलग होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका प्रॉपरली यूज कहाँ पर होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।